अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। तो इट्स टाइम टू स्टार्ट आवर नाइन्थ ट्यूटोरियल ऑफ HTML 5। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप न्यू हैं तो ये सिंपल सा काम करना है, प्लेलिस्ट में जाना है और यहाँ से सलाम इसको वालेकुम, क्लिक करना है। वेलकम। यार ये क्या बात हुई, गलती से क्लिक हो जाता होता है। चले आगे चलते हैं। स्टार्ट पे करना है क्लिक और कर दे डन। यार मैं यूट्यूब का कभी बनाऊंगा, ये है प्लगइन वगैरह बहुत सारे, लेकिन अभी नहीं बताना चाहता मैं इन चीज़ों को। आपके लिए हैं अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन मैं आप जिस चीज़ पे हूँ उसी पे कॉन्सनट्रेट करता है, फिर उसके बारे में भी वीडियोज़ बना देंगे, नो प्रॉब्लम। तो सबसे पहले बुक मार्क कर लें ताकि आप इजीली एक्सेस कर सको। उसके बाद इसको कर लें क्लिक ऑन द सेव बटन, ताकि आप कहीं पे, आपके पास इंटरनेट नहीं हो तो ये आपके पास सेव हो, आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं अगर आप मोबाइल पे, और अगर आप लैपटॉप पे हैं तो फिर तो आपको इंटरनेट चाहिए होगा, लेकिन आपको इजीली एक्सेस से क्लिक से यहाँ जाके आप एक्सेस कर सकते हैं अपनी लाइक वीडियोज़ में। आपके पास यहाँ आ जाएगा, यहाँ लाइक वीडियोज़ और जी है जो और वीडियोज़ यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ से आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। तो चलते हैं अपने ट्यूटोरियल की तरफ। जेनेरिक एट्रीब्यूट्स होते हैं, HTML फॉर्मेटिंग करते हैं। पहले हमने किया है बोल्ड के लिए कौन सा टैग होता है, बी का टैग, और इटैलिक के लिए चलें एक पैराग्राफ लिखते हैं ना, उसमें ये सारी चीज़ें अप्लाई करते हैं। तो ये हमने स्टाइल चलें वही रहने देते हैं, बल्कि मैं एक न्यू बना लेता हूँ, यहाँ पे कोड यही कॉपी कर लेता हूँ, बिकॉज मुझे ना थोड़ा दिल कह रहा है मेरा। तो यहाँ पे कर लेते हैं नाइन्थ ट्यूटोरियल, कंट्रोल एस करता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं करता हूँ नाइन 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 डॉट HTML, कर दिया सेव। नाइन्थ ट्यूटोरियल हो गया, लैंग्वेज इंग्लिश होगी, हेड हो गया, टाइटल हो गया और बैकग्राउंड हो गया। यहाँ पे मैं कुछ और करने वाला हूँ अब, तो यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ, मैं एक पैराग्राफ लिखूंगा सारा HTML के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट। मैं अब लिखने वाला तो नहीं हूँ ना, इतना आपको अच्छा लगता हूँ कि मैं लिखूँ खुद, ना ना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ HTML, इसके बारे में जो भी टेक्स्ट मिलता है उठा के फेंक देंगे। यहाँ तो वो है HTML फॉर बिगनर्स, नहीं HTML की हिस्ट्री वगैरह मिल जाए तो वो चलेगा। तो यहाँ पे ये मिल गया हमें टेक्स्ट, और ठीक है ये बता रहे हैं कि किसके अंदर आया पूरा कोर्स है। लेट्स मूव, अगर आप बुक से करने वाले होते तो यहाँ थोड़ी आते, सोचने वाली बात है। बुक्स इतना लेंथी कौन पढ़े, तो मैं इसको, यार बहुत बड़ा हो गया। चले अभी मैं करता हूँ इस, ये तो करना पड़ेगा बंद, और वेब डेवलपमेंट ओपन रहे। मैं यहाँ से चलता हूँ, नाइन पे जाता हूँ और ओपन विद कर देता हूँ क्रोम, और ये आ गया हमारा कुछ तो। अब इसके ऊपर हाइपर टेक्स्ट क्या अप्लाई करते हैं, फॉर्मेटिंग। तो फॉर्मेटिंग का सबसे पहले कौन सा टैग है, बोल्ड का टैग। तो चलते हैं बोल्ड का टैग अप्लाई करते हैं। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि जो HTML है ये पूरा का पूरा बोल्ड हो जाए, जो HTML का नाम जो जिस और ये एक्सटेंशन भी साथ। तो बी का टैग और क्लोजिंग टैग हो गया, कंट्रोल एस करते हैं और करते हैं रिफ्रेश, तो देखते हैं क्या होता है। ये हो गया बोल्ड पूरे का पूरा। आगे कौन सा है, मैं चाहता हूँ कि ये साथ ही अटैलिक हो जाए, इसके लिए कौन सा टैग है, आई का टैग है, तो मैं इसको अटैलिक भी कर देता हूँ, और ये पूरे का पूरा मुझे अटैलिक चाहिए। फिर मैंने आई का टैग, पहले ये आई का टैग क्लोज कर दिया, और मैं करता हूँ रिफ्रेश। अब स्टाइल देखना चेंज होगा, और चेंज हो गया सिर्फ ये, बाकी वही है। और आगे है हमारे पास अंडरलाइन कर, तो मैं चाहता हूँ कि ये वाला अंडरलाइन भी हो जाए, तो इसके लिए यू का हमारे पास है, तो
तो मैं इस यहाँ पे यू का कर देता हूँ, तो ये देखिएगा अभी अंडरलाइन हो जाएगा, लेट्स इस टाइम फॉर जादू। तो देखिए अंडरलाइन हो चुका है, आगे चलते हैं। हमारे पास है जी अंडरलाइन के बाद जो हमारा है स्ट्राइक, स्ट्राइक तो स्ट्राइक किसी और को कर देते हैं यार, इसको कर देते हैं, ये लें। स्ट्राइक के लिए कौन सा कीवर्ड है? एस स्ट्राइक है, तो स्ट्राइक भूल भी जाता होता बंदा यार। और बिकॉज मैं और लैंग्वेज में वर्क कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत अगर उधर मिक्स इंच वगैरह सब कुछ होता है, लेकिन चलो स्ट्राइक इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। बट ये रहा स्ट्राइक, अब देखते हैं जादू होने वाला है HTML। ये रहा स्ट्राइक, हो गया। आगे 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 चलते हैं, मोनोस्पेस्ड फॉन्ट, तो इस पे क्या होगा? लेट चेक करते हैं। ये थोड़ा फॉन्ट ना, फॉन्ट स्टाइल एक किस्म का, तो ये चेंज हो जाता है। तो लेट्स, इसका क्या है? TTOTT, ठीक है। मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे कुछ, ओ यार इधर आना था, मैं मार्कअप को मोनो स्पेस्ड फॉन्ट अप्लाई कर देता हूँ, मोनो स्पेस्ड फॉन्ट फैमिली। अभी खुद ब खुद मिल जाएगा, ये रहा मार्कअप, बाकी सबसे क्या हो गया? छोटा हो गया, मोनोस्पेस्ड में हो गया। आगे चलते हैं जी, सुपर स्क्रिप्ट, इसका मतलब क्या है? ये बड़ा होगा बाकियों से, तो मैं कर देता हूँ अब इसी को सुपर स्क्रिप्ट कर देता हूँ। सुपर स्क्रिप्ट SUP है इसका, और सुपर स्क्रिप्ट SUP, एंड यहाँ पर भी हमें SUP कर देना है। और ये आप प्रैक्टिस लाजमी करेंगे, मेहरबानी करिए का। ये देखिएगा, अब पहले वो क्या था? सब मोनो मोनो स्पेस था, छोटा हो गया था, मोनो होते ही छोटा है। इसके बाद अब सुपर आ गया, सुपर का मतलब है ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, बाकी लाइन से थोड़ा ऊपर हो जाएगा। अगला कौन सा? सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट क्या होगा? वो नीचे हो जाएगा, तो मैं सबस्क्रिप्ट इसके साथ वाले को करता हूँ ताकि आपको फ़र्क पता चल जाए। तो मैं इसको SUB कंट्रोल एस करता हूँ एंड क्लिक ऑन द रिफ्रेश। तो इसके साथ वाले को चेक करें कि ये और लाइन से नीचे मूव हो गया और ये लाइन से ऊपर मूव हो गया। तो हमने कितने सारे देख लिए पता नहीं, और मैं टाइम देख लूँ पहले कितने टाइम की वीडियो, वीडियो तकरीबन 8 मिनट की होने वाली है। आगे चलते हैं यार, मेरे दिल है कि मैं आज सारे इसको क्लियर कर दूँ। इंसर्टेड टेक्स्ट, इंसर्टेड टेक्स्ट क्या होता है? इंसर्टेड टेक्स्ट, लेट्स ट्राई, पहले इसको ट्राई करते हैं फिर देखते हैं पता नहीं क्या होगा। INS, इसके अगले वाले को मैं इंसर्टेड टेक्स्ट, इंसर्टेड टेक्स्ट, वही जादू होने वाला है। तो ये क्या हुआ है? अंडरलाइन हो चुका है, इंसर्टेड टेक्स्ट का मतलब आप अंडरलाइन हो चुका है। अच्छा बहुत सारे यार, आगे चलता है। अंडरलाइन आगे आ गया, डिलीटेड टेक्स्ट के, हम डिलीटेड टेक्स्ट को किस तरह शो करें वो चेक करते हैं। तो डिलीटेड के लिए DEL, तो मैं इससे अगले वाले टेक्स्ट को क्या करता हूँ? डिलीटेड टेक्स्ट करता हूँ DEL, के डिलीटेड टेक्स्ट को हम जब डिलीट करें तो वो किस तरह शो हो। तो लेट्स चेक, इधर गया यार, ये देखें इसके ऊपर लाइन आ चुकी है। मैं अगर जूम करूं और ये टेक्स्ट के ऊपर लाइन आ चुकी है। आगे चलते हैं, आगे कौन सा कीवर्ड है डिलीटेड टेक्स्ट के बाद? लार्जर टेक्स्ट, तो इसको हम मतलब बड़ा करने के लिए करेंगे। यहाँ पे हम लगा लेते हैं बिग, और यहाँ पर भी बिग, तो ये हो गया। करते हैं रिफ्रेश इमेजेस, बाकी सबसे इसका साइज थोड़ा बोल्ड हो गया, बोल्ड नहीं कह सकते लेकिन थोड़ा बड़ा हो गया। बोल्ड थोड़ा बोल्ड होता है उसको फैला देते हैं, ये बड़ा हो गया थोड़ा, उससे हाइट बढ़ी हुई है जिसको कहते हैं। स्मॉल करने के लिए हम क्या करेंगे? स्मॉल, और
मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा स्मॉल हो और इधर भी SMALL स्मॉल हो जाए स्मॉल। तो ये देखें बाकी सबसे ये छोटा हो गया है। आगे चलते हैं, वैसे यूज थोड़े से होते हैं लेकिन आगे ग्रुपिंग कंटेंट्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़। कुछ चीज़ समझ ना आए तो कमेंट कर सकते हैं।